आज हम देखेंगे 200 गज के अंदर हमने 3 BHK का बिल्डर फ्लोर्स बनाए हुए हैं। ये है कि फ्रंट एलिवेशन एक मॉडर्न आर्किटेक्चर होता है। आज की चीज काट के देखिए कितने सुंदर डिजाइनिंग है। जैसे गोल में ट्रेंडिंग डिजाइन चल रहे हैं तो उस तरीके की सीलिंग डिजाइन के साथ ये आप कपड़े ढूंढे तो वो मिल जाने चाहिए। तो स्पेशियस वार्डरोब्स और ग्रे कलर की माइका के साथ लाइट ब्राउन माइका का अमेजिंग वर्क। जो कलर कॉम्बिनेशन आप इसमें यूज कर रहे हैं सिमिलर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल प्रोफाइल लाइटिंग के वर्क के साथ 30x60 के अंदर 200 गज के अंदर आप कैसे 3 BHK का बिल्डर फ्लोर बना सकते हैं आज इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पाएंगे। अब ये जो घर है एरो सिटी के साथ IT सिटी मोहाली के अंदर और प्राइम लोकेशन ऑफ मोहाली के अंदर और यहाँ से एयरपोर्ट सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर और प्राइम लोकेशन में ऐसा घर मिल जाए उसका कहना ही क्या। तो 200 गज के अंदर 3 BHK बना हुआ और ग्राउंड फ्लोर पे 3 BHK, फर्स्ट फ्लोर पे और सेकेंड फ्लोर पे 3 BHK फ्लोर डिजाइन हैं और यहाँ पर आपको ये 200 गज की घर पूरा मिल सकता है। जो कि आपने खरीदना है नीचे दिए मोबाइल नंबर पे कॉल कीजिए। अब इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात करता हूँ। फ्रंट एलिवेशन में हमने मॉडर्न डिजाइनिंग और कंसेप्चुलाइजेशन की है कि आजकल की मॉडर्न कंसेप्चुलाइजेशन हो और ये साउथ ईस्ट फेसिंग घर होने के कारण हमने इसमें डार्क कलर का इस्तेमाल किया। मैं डार्क कलर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह है कि फ्रंट एलिवेशन एक मॉडर्न आर्किटेक्चर होता है। आजकल के टेक्स्चर्स हमारे ग्लास कैसी कैसी चीज़ें टाइलिंग यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने इसके अंदर जो सीलिंग के अंदर हमने डार्क कलर की HPL का वर्क है जो कि डार्क ग्रे कलर की HPL का है जो कि मेरी शर्ट के साथ मिल रहा है। उसके साथ हमने जो फ्रंट पे वाइट कलर की डिज़ाइनिंग करी है उसके साथ ग्रे कलर का सुंदर कॉम्बिनेशन में चीज़ें हैं। तो चीज़ें ऐसी फ्रंट एलिवेशन में होनी चाहिए जो करे वाओ और ऐसी वाओ फैक्टर्स के साथ। इसकी फ्रंट एलिवेशन में हमने लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए अपने स्क्रीन पे कितना सुंदर डिज़ाइनिंग करके हमने लाइट ग्रे टाइलिंग के अंदर उसके अंदर वाइट भी का ओवरऑल टॉप तक बहुत ही सुंदर एरियाज डिफाइंड है। अमेजिंग डिजाइनिंग के साथ हमने यहाँ पे ये फ्लोर वाइज घर बनाया है बेसिकली और ये पूरा का पूरा घर एज इट इज बिक रहा है। उसके साथ यहाँ पर आपके 3 मीटर्स पानी के वाटर मीटर्स लगे हुए हैं। उसके साथ यहाँ पे घर के सामने आपकी गाड़ी पार्क होने के लिए प्रॉपर स्पेसिस है। तकरीबन 4 गाड़ियाँ आपके घर के सामने पार्क हो जाएंगी उस तरीके की डिफाइनिंग के साथ। अब चलेंगे इस एरियाज में। यहाँ पर आपको फ्रंट एलिवेशन में जो चीज़ें देखने को मिल रही थी यहाँ पे हमने टाइलिंग का वर्क किया अमेजिंग डिजाइनिंग के साथ। अब चलेंगे इस घर के अंदर। एंट्रेंस पे आया था हमारा पॉश एरिया जो कि हमारी यहां से हमारी फर्स्ट फ्लोर की स्टेज है जो सेकंड फ्लोर की स्टेज है। देखिए ग्राउंड फ्लोर पे 3 BHK बना हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे भी 3 BHK, सेकंड फ्लोर पे भी 3 BHK और यहाँ पर हमारा मेन डोर जहाँ पे हमने ग्लास विंडोज का काम किया उसके साथ हमारा मेन डोर और एज इट इज मिलेगा विद मैश विंडो फ्रेंच मैन शोल्डर। आप देख रहे हैं टेक्निकल सोल्यूशन। सो फ्रेंड्स लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। गज के अंदर हमने 3 BHK का बिल्डर फ्लोर्स बनाए हुए हैं और क्या है कि उसको ऐसा बनाया कि वो बड़ा नज़र आए और बड़े बड़े स्पेशियस बेडरूम्स और बड़ी वेंटिलेशंस के साथ ये चीज़ें आपको एज इट इज़ मिलेंगी। और 1800 स्क्वायर फीट में हमने सिर्फ 1600 स्क्वायर फीट हम कवर कर सकते हैं क्योंकि 80% एरियाज ही हम कवर कर सकते हैं। एंट्रेंस पे ही हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया आ जाता है। लंबा चौड़ा डिमेंशंस की बात करूँगा तकरीबन 14x20 का एक लंबा चौड़ा एरिया जहाँ पे हमारा प्रॉपर डाइनिंग एरिया, ड्राइंग रूम एरिया और मैं थोड़ा सा नक्शा समझा दूँ। यहाँ से हम एंटर किए थे, यहाँ पे हमारी मॉड्यूलर किचन है बहुत ही स्पेशियस। अभी चलेंगे उधर, फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम, थर्ड बेडरूम और भी स्पेशियस ब्यूटीफुल सीलिंग डिजाइन के साथ एज इट इज मिलेगा। देखिए कितनी सुंदर ब्यूटीफुल सीलिंग डिजाइन हैं। सिंपल सीलिंग के साथ यहाँ पे हमने PVC पैनलिंग का वर्क किया जो कि हमने लाइटिंग के साथ अमेजिंग डिजाइनिंग दे रही है। छोटे छोटे नीचेस काट के देखिए कितनी सुंदर डिजाइनिंग है। जहाँ पे हमने डार्क ब्राउन के शेड्स के अंदर वाइट कलर की सीलिंग बहुत ही अच्छी लुक दे रही है और उसके साथ लाइटिंग बहुत ज़्यादा ग्लो करी है। नीचे हमने इटालियन टाइलिंग का वर्क किया जो कि अल्टीमेट कॉम्बाइन कर रही है हमारे वॉल्स के साथ, तो अल्टीमेट फील दे रही है अच्छा डिजाइनिंग के साथ। अब चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर। देखिए कितना स्पेशियस हमारा फर्स्ट बेडरूम है। इसकी डिमेंशंस की बात करूँगा तकरीबन 12x14 का एक लंबा चौड़ा कमरा आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ से भी आपकी ड्यूल एंट्रेंस का काम है, यहाँ से आपकी एंट्रेंस हो सकती है। यहाँ पे आपके सारे के सारे विंडोज का डिजाइनिंग है और यहाँ पे आपके मेश विंडोज के साथ आपकी डिजाइनिंग है। सिंपल सीलिंग डिजाइन के साथ एज इट इज मिलेगा। उसके साथ यहाँ पे आपके एरियाज डिफाइंड है जहाँ पे आपके वार्डरोब्स वगैरह और इसके साथ ही अटैच वॉशरूम है जो कि कॉमन वॉशरूम है जो कि हमारा
ड्रॉइंग डाइनिंग के साथ भी खुल रहा है। तो कॉमन वॉशरूम के साथ हमने एक बहुत बड़ा सा वॉशरूम है, तकरीबन 6x8 का लंबा चौड़ा वॉशरूम आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ग्रैंड टाइलिंग व्हाइट कलर की टाइलिंग का वर्क किया है, जो कि हमने कॉम्बाइन किया है डार्क ग्रे के साथ, उसके साथ सिंपल सीलिंग डिजाइन के साथ। यहाँ पे हमने ड्राई और वेट एरिया स्पेसिस का डिफिनेशन है, देखिए ये आपका प्रॉपर वेट एरिया, यहाँ पे आपका वैनिटी आ जाएगा, यहाँ पे आपके लिए WC सीट। तो सिंपल डिजाइनिंग के साथ, और जैसे ही आप यहाँ से खोलेंगे उसके साथ ही यहाँ से अटैच्ड हमारा वैनिटी एरिया आएंगे। इसके साथ ही चलेंगे इसके मॉड्यूलर किचन एरियाज की तरफ। देखिए ये हमारी आ जाएगी यहाँ पे मॉड्यूलर किचन, जो कि एक स्पेशियस मॉड्यूलर किचन है। 200 गज में इतनी बड़ी लंबी चौड़ी किचन मिल जाए उसका कहना ही क्या। देखिए इसमें हमने बहुत ही सुंदर डिजाइनिंग के साथ 10x14 की लंबी चौड़ी किचन आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही है। यहाँ पे आपकी एंटी नॉइज वाली सिंक है, यहाँ पे हमने सिंपल प्रोफाइल लाइटिंग के वर्क के साथ यहाँ पे सुंदर डिजाइनिंग करके हमारे कैबिनेट्स की, और यहाँ पे आपका बड़ा सा पेंट्री यूनिट आपके लिए, तकरीबन 1.5 फुट का पेंट्री यूनिट आपके लिए स्पेसिंग के लिए अवेलेबल है। तो स्टोरेज ऐसी होनी चाहिए भैया हैवी की आपकी घर में स्पेस की कमी ना हो। इसके साथ यहाँ पे डबल डोर के फ्रिज के लिए स्पेसिस, यहाँ पे आपके गैस पाइपलाइन और आजकल की मॉडर्न एमिनिटीज लाइक एंटी नॉइज वाली सिंक आपके घर के सामने से ही आपको दिख रहा है कि भैया कौन आ रहा है। तो फ्रंट एलिवेशन के सामने हमारी विंडो, यहाँ पे आपका RO का पाइपलाइन, तो सारी चीजें हम एज इट इज लगा के देंगे। एक 200 गज के अंदर प्लान देख रहे हैं हम, कैसे आप अपना 3BHK का प्लान बना सकते हैं, वो भी स्पेशियस। उसके बाद चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम के अंदर, देखिए कितना अमेजिंग सेकंड बेडरूम है। डिमेंशन की बात करूँ तकरीबन 12x16 का एक लंबा चौड़ा कमरा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ग्रे कलर के टिंच के अंदर वॉल्स हैं और सीलिंग डिजाइन देखिए, आजकल की जो मॉडर्न ट्रेंडिंग सीलिंग डिजाइन है ना गोल में, उस तरीके की डिजाइन स्क्वेयर में नहीं चल रही, बहुत आजकल गोल में ट्रेंडिंग डिजाइन चल रहे हैं, तो उस तरीके की सीलिंग डिजाइन के साथ ये एज इट इज है। उसके साथ ही यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब्स के साथ आपको एज इट इज मिलेगा, देखिए कितनी सुंदर स्लाइडिंग वार्डरोब्स हैं, आपके घर को प्रॉपर स्पेस मिल रही है। देखिए वार्डरोब्स जैसी होनी चाहिए कि आप कपड़े ढूंढे तो वो मिल जाने चाहिए, तो स्पेशियस वार्डरोब्स और ग्रे कलर की माइका के साथ लाइट ब्राउन माइका का अमेजिंग वर्क। उसके साथ ही एरिया डिफाइंड है, जहाँ पे हमारा ड्रेसिंग एरिया देखिए कितना सुंदर ड्रेसिंग एरिया के साथ डिफाइंड एरिया है। उसके साथ ही अटैच वॉशरूम लाइट ब्राउन टाइलिंग की अमेजिंग वर्क के साथ एक स्पेशियस सा वॉशरूम आपको नजर आ रहा है। 6x6 का लंबा चौड़ा वॉशरूम आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे बैक में वेंटिलेटेड स्पेसेस के साथ ये एज इट इज आपको मिलेगा। तो एक स्पेशियस हाउस डिजाइन कैसे बन सकता है, उसके साथ में जरूरी है कि बैकवोटेड एरियाज भी हों। उसके साथ ही हमारा बैकवोटेड एरिया एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे हमने वॉशिंग एरियाज वगैरह बनाने होते हैं, तो ये प्रॉपर वॉशिंग स्पेसिस के लिए, और कपड़े जो आपने सुखाने हैं या फिर आपके वेंटिलेटेड स्पेसिस जो हैं जहाँ से आपकी सारी एग्जॉस्ट निकलेंगे घर के, तो वो ऐसी स्पेसिस हैं। यहाँ पे आपका सेकेंड बेडरूम, ये आपके वॉशरूम के स्पेसिस के एग्जॉस्ट, आपके ACs के एग्जॉस्ट, तो सारी चीज़ों के लिए स्पेसिस होने चाहिए, वो बैक कोटियड जरूर करता है। और बैक कोटियड में हम अपने कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं, तो उस तरीके की एरियाज डिफाइन के साथ। इसके बाद चलेंगे इसके थर्ड बेडरूम के, देखिए आज हम देख रहे हैं 3BHK का एक फ्लोर 200 गज के अंदर कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं और स्पेशियस। आप घर बना रहे हैं तो आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको डिफाइन होना चाहिए कि आजकल बॉस क्या चल रहा है। तो 3BHK के हमने बिल्डर फ्लोर भी बना दिया, 200 गज में बना दिया, 1600 स्क्वेयर फीट के अंदर आपको प्रॉपर डिफाइंड एरिया। उसके साथ यहाँ पे जो मैं वो बता रहा था कि ट्रेंडिंग डिजाइन में क्या कि वार्डरोब्स तो बनाए, साथ में आप छोटी छोटी ऊपर जो डेड स्पेसेस है ना उसका जरूर यूटिलाइजेशन करें, ये बहुत काम आते हैं। अनवांटेड थिंग्स हैं आपके घर में, आप उसको डाल सकते हैं, उसको रख सकते हैं। उसके साथ LED TV यूनिट भी ग्रैंड बनाइए, जो कलर कॉम्बिनेशन आप इसमें यूज़ कर रहे हैं सिमिलर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हुए एक चीज़ें बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा। और सिंपल और एलिगेंट सीलिंग डिज़ाइन रखिए, कोई हैवी मात काम ना करिए, वाइट कलर की लाइटिंग का वर्क करिए। ये पॉइंट है ना, ये याद रख लीजिए जब भी आप घर बना रहे हैं, ये आपको हमेशा काम आएंगे। उसके साथ यहाँ पर आपके वेंटिलेटेड स्पेसेस होने चाहिए, जैसे ग्लास विंडोज़ के साथ आपकी मेश विंडोज़ का काम भी होना चाहिए जिससे आपको वेंटिलेशन मिले। उसके साथ ही यहाँ पे आजकल के वास्तु में बोला गया है कि आप मिरर अपने बेडरूम में ना लगाएं, बैक एंड पे लगा सकते हैं, जहाँ पे आप उठें वहाँ पे ना लगाएं, जब भी आप उठें तो अपना चेहरा ना देखें। इस तरीके का ये हमारा ड्रेसिंग एरिया जहाँ पे आपके लिए सारे के सारे स्पेसेस फॉर योर टॉयलेटरी उस तरीके की डिफाइनिंग। उसके साथ ही अटैच वॉशरूम, ये हमारा थर्ड वॉशरूम आ गया, और 3BHK के अंदर 3 वॉशरूम्स दिए गए और एक कॉमन वॉशरूम के साथ यहाँ पे हमने वाइट और डार्क टाइलिंग के वर्क के साथ अमेजिंग
लाइट ब्राउन 4K लाइटिंग का वर्क किया है जो कि लुक में फील और फिनिश अच्छी दे रहा है। तो आज हमने देखा 3BHK का एक इंडिपेंडेंट फ्लोर 200 गज के अंदर तकरीबन आप 1600 स्क्वायर फीट कवर्ड एरियाज के अंदर कैसे आप अपने घरों को डिफाइन कर सकते हैं और लग्जरी फील दे सकते हैं, तो आज ये देखा। तो अगर जो आपने खरीदना विजिट करना है ये एरो सिटी मोहाली के साथ IT सिटी में है और एयरपोर्ट यहाँ सिर्फ 5 किलोमीटर की दूर है। जो खरीदना भी नीचे देखो मोबाइल नंबर पर कॉल कीजिए, हम खरीदने और विजिट की हेल्प कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।